जो दुकान है उन पे नेम प्लेट होनी चाहिए। मैं समझती हूँ अभी भी ये लोग नहीं सीखे, भाजपा के लोग अभी भी नहीं सीखे हैं कि जनता को जो असुविधा हो रही है उसका ये लोग निवारण नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हमारे शिक्षकों पे जो जो डिजिटल आपके अटेंडेंस का जो मामला है आज भी वो निरस्त नहीं हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि जब तक ये लोग नहीं सीखेंगे तो आने वाले जो 2027 चुनाव है तो जनता एक बार फिर तैयार होगी, एक बार फिर खड़ी होगी, क्योंकि आज भी हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है और आज भी हमारे किसान कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों का जो जिनको बहुत उम्मीद थी भाजपा की सरकार से, कहीं ना कहीं वो सारी उम्मीदों में पानी फेरने का काम सरकार ने किया है। और मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगी कि जिस तरह आपने बढ़ चढ़ के बहुत समझदारी के साथ वोट करा और जिस तरह भाजपाइयों के सारे षड्यंत्रों को पानी फेरने का काम किया, तो आने वाले आप समय में देखेंगे कि पूरे देश से भाजपा का पतन किस तरह होता है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया मैडम, उसमें उन्होंने कहा कि मानसून ऑफर दिया, 100 लाइए और सरकार बनाइए। हम सभी जानते हैं कि क्या स्थिति चल रही है, मैं ज्यादा कुछ इस पे बयान देना नहीं चाहूंगी। और जब लोग तैयार हैं, जनता तैयार है, तो मैं समझती हूँ कुछ भी संभव है। लोकसभा के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद समाजवादी पार्टी लगातार लोगों से संपर्क कर रही है और लोगों की समस्याओं में असुविधाओं में उनके साथ खड़ी है। और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि एक ऐसी सकारात्मक राजनीति का लोग सहयोग करने जा रहे हैं जो इस देश में और प्रदेश में कहीं ना कहीं जो लोगों के सपने हैं उनको पूरा करने का काम करेगी, जो युवाओं के हमारे सपने हैं, जो हमारे किसानों के सपने हैं, जो आज हताश है, उन सबको पूरा करने का काम आने वाली सरकार जब बनेगी तो करेगी। मैम एक सवाल, बीजेपी के मंत्री खुद कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के कारण ये हालात पैदा हुए हैं जिसमें समाजवादी पूरी तरह से गेन करी है इस लोकसभा चुनाव में। अब तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, अब यही चलता रहेगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि लोग देश के और पूरे प्रदेश के और सभी वर्ग के लोग परेशान हैं सरकार से। अजय योगी, नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रॉयल खंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।